नमस्कार, आज हमारे साथ में है करणदीप और ये आपको कुछ अपनी हेल्थ के ऊपर किए गए एक्सपेरिमेंट के बारे में बताएंगे। तो करणदीप, अप टू यू। नमस्कार सभी को, मैं करणदीप शर्मा, गांव कुड़ल, डिस्ट्रिक्ट भिवानी, हरियाणा से, और मेरी साल भर पहले विनोद जी से मुलाकात हुई है। थोड़ा ऊंचा बोलो। विनोद जी से बातचीत हुई तो मैंने मेरी सेहत के बारे में कुछ पूछा। सेहत काफ़ी बिगड़ चुकी थी, 98-99 किलो वजन था जो कि बहुत, जबकि मेरे अंदर वजन होना जो चाहिए था वो था 70-75 किलो के आसपास, और 98-99 किलो वजन बहुत ज़्यादा था। और तो और मतलब जूते पहनना या नीचे झुकना, काम करते टाइम सांस फूलना, ये सब दिक्कतें आनी शुरू हो गई थी। और ये दिक्कतें आई, वजन बढ़ेगा तो पेट की दिक्कतें तो आएंगी, और पेट है वो काफ़ी बीमारियों की जड़ है। तो उसके बाद विनोद जी से कांटेक्ट हुआ तो इन्होंने कुछ तरीके बताए। मैंने 1.5 महीना सिर्फ मैं तरबूज खरबूजा इन दो फ्रूट की डाइट पे रहा। तरबूज मैंने बीज समेत चबा के खाए और खरबूजा खाया, तो उसके दौरान 1.5 महीने के दौरान मेरा 10 किलो वज़न कम हुआ है लगभग। तो 10 किलो वज़न कम होना, वो भी 1.5 महीने में, और 1% मैंने एक्सरसाइज नहीं की कि कोई फिजिकल वर्क किया हो या फिर मैं कहीं घूमने गया हूँ या कोई और एक्सरसाइज, योगा या एनीथिंग कुछ किया हो, कुछ भी नहीं किया, सिर्फ डाइट प्लान चेंज किया था। डाइट प्लान में दिक्कतें क्या आती हैं कि शुरू के 2 दिन आपको ये लगेगा कि रोटी नहीं खाई है, उसके बाद मन में जब ये सोच लोगे ना यार बीमारी भी तो है तो रोटी कोई वैल्यू नहीं रखती, 3-4 दिन 5 दिन के बाद मेरे को कोई बोलता खाना खा लिया, बोला क्या, मैं खुद ये बोलने लग गया था कि क्या यार सुबह से शाम तक आटा खाने में लगे रहते हो, कुछ ढंग का खा लो। कमजोरी महसूस होती है, उसके लिए आप गर्मी के टाइम में तो ड्राई फ्रूट भिगो के खा सकते हैं, खास तौर पे काजू को छोड़ के, काजू फैट बढ़ाता है, बादाम और किशमिश, और या फिर 2-4 अखरोट भी खा सकते हो। सर्दियों में आप डायरेक्ट भी खा सकते हो, गर्मियों में भिगो के खाने चाहिए। तो 2-4 दिन, 1 हफ्ता कमजोरी भी महसूस होती थी मेरे को कि शाम को थकान ज़्यादा या दिन में नींद आने लगना, तो उसका जो इलाज था वो ड्राई फ्रूट से पूर्ति होगी, 2 दिन के बाद वो कमजोरी भी ख़त्म हो गई। 1.5 महीना मैं डाइट प्लान पे रहा, सारी मेरी जो कपड़े हैं वो ढीले हो गए, 10 किलो वज़न कम हो चुका है, पेट भी ठीक है, और ऑलमोस्ट जो दिक्कतें थी वो 90% तक मेरी ठीक हो गई। क्या क्या दिक्कत थी उसके बारे में? दिक्कत सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये हो गई थी कि मेरी उम्र सिर्फ 32 साल है और घुटनों के दर्द की प्रॉब्लम आनी शुरू हो गई थी, क्योंकि एक गाड़ी के टायर की कैपेसिटी होती है, गाड़ी में वजन होता है मान लीजिए 1 टन और उसके टायर की कैपेसिटी है 5 टन ढोने की, तो वो 5 टन ही ढो पाएगी, उसके अंदर सवारी बैठ जाएंगी, तो 5 टन वजन होना चाहिए, अगर उसमें 20 टन डालेंगे तो टायर फटेगा या गाड़ी में नुकसान होगा। सेम वही प्रॉब्लम अपने घुटनों की होती है, सारा जो प्रेशर होता है शरीर का वो घुटनों पे या टखनों के ऊपर आता है, तो इनके ऊपर अगर हम इतना वजन डालेंगे कि इनकी कैपेसिटी से बाहर है तो वो दर्द होना शुरू हो जाएगा। 32 साल की उम्र में घुटनों में दर्द होना बहुत बड़ी बात है। तो मेरा वो बहुत हद तक 95% तक कम हो गया, अब मैं धीरे धीरे अपने आप को मेंटेन रख रहा हूँ। और ये एक भ्रम है कि फ्रूट के बाद दोबारा जब डाइट पे, अनाज की डाइट पे आएंगे तो दिक्कत आएगी, कोई दिक्कत नहीं आ रही। 1.5 महीने के बाद मैंने दोबारा अनाज खाना शुरू किया है, मेरा 2 महीने में सिर्फ 1 किलो वज़न बढ़ा है, वो भी इसलिए बढ़ा है बीच में गड़बड़ कर गया, मैं तली हुई चीज़ें खा ली, अदरवाइज वो भी नहीं बढ़ना था मेरा। दूध के बारे में क्या एक्सपीरियंस? दूध के बारे में मेरे को अब लगभग 3-4 महीने हो चुके हैं दूध और दूध से बनी हुई चीज़ें खाए बगैर, मैं दूध बिल्कुल बंद कर चुका हूँ। कभी हफ्ते 10-15 दिन में लस्सी ले लेता हूँ या फिर दही ले लेता हूँ, दूध मैंने बिल्कुल कम्प्लीटली बंद कर सकता है। दूध क्या, दूध से बनी हुई लगभग चीज़ें बंद कर दी मैंने, तो दूध है वो डायरेक्ट नहीं पीना चाहिए, मेरा जो व्यू है वो ये है। लस्सी ले सकते हो आप, कोई खास बात नहीं है, और ओमेगा 3 एसिड जो है वो लेना ज़रूरी है जोड़ों के दर्द वालों को, तो खास तौर पे उसके लिए अलसी बेस्ट है, उसके लिए अलसी, अखरोट ये बेस्ट हैं, तिल का तेल, ये सब चीज़ें बहुत अच्छी होती हैं। तिल का तेल तो सबसे बेस्ट है, क्योंकि तिल के तेल पत्थर पे भी अगर डाल दोगे ना, पत्थर में 1 इंच का छेनी से गड्ढा करके उसमें डालोगे और इतनी मोटी अगर परत है तो शायद निचले हिस्से में भी नमी मिल जाएगी आपको। तो फ्रूट डाइट पे रहा मैं पूरा, उसके बाद मैंने शुरू की कच्ची सब्जी, कच्ची सब्जी जैसे खीरा, ककड़ी, अपने
और कोई जो हम कच्ची खा लेते हैं जैसे घिया या घिया का जूस, इन पे फिर घर में जो कट सब्जी बन जाती थी, कोई एक कटोरी खा ली, दो कटोरी खा ली, बस। रोटियों का जो वहम है वो एक हफ्ते से ऊपर आपके दिमाग में नहीं रहेगा। एक हफ्ते तक आपको दिक्कत आ सकती है, और दिक्कत कुछ नहीं आएगी, सिर्फ दिमाग में दिक्कत रहेगी कि रोटी नहीं खाई। ये रोटी, साइकोलॉजिकल खेल है। हाँ, ये एक साइकोलॉजिकल इफेक्ट है कि दिमाग में रहेगा रोटी नहीं खाई। रोटी नहीं खाई तो और कुछ खा लो, और खाने की चीज़ें, हम नॉनवेज नहीं खाता मैं तो, नॉनवेज के बिना भी तो काम चल रहा है, और चीज़ें नहीं खाता, अंडे नहीं खाता तो अंडे के बिना भी काम चल रहा है, तो रोटी के बिना क्यों नहीं चल सकता। आप उसका जो रोटी की जो पूर्ति कर सके वो चीज़ें खा लो, फ्रूट खाओ, और जरूरी नहीं कि तरबूज और खरबूजा, और फ्रूट बहुत तो है मार्केट में। आपको क्या लग रहा है कि फ्रूट डाइट बेस्ट है सेहत के लिए? मेरे हिसाब से फ्रूट डाइट बेस्ट है। और नो आंखों डाउट। में आपको कोई इश्यू था, उसमें फायदा हो रहा है थोड़ा बहुत? आंखों में इश्यू में फायदा था, मेरी आंखों में जलन थी, मैंने दिल्ली एम्स हॉस्पिटल में चेकअप करवाया अभी, तो मेन जो प्रॉब्लम थी वो ओवर हीट और डस्ट की एलर्जी मिली मेरे को। बट इस एलर्जी के बाद भी जब फ्रूट डाइट पे आया तो भी मेरे 10 से 20% इफेक्ट पड़ा था, असर आया था कि ठंडक मिलती थी। तो इस चीज़ को तो आप ये मान के चलें कि फ्रूट डाइट है ये बेस्ट है। फ्रूट डाइट के साथ है आप जैसे 1-2 महीने के वजन कम करने का, आज के दिन इंसान में सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है वो है बढ़ता हुआ वजन, बच्चे और ख़ास तौर पे लेडीज़, और एक प्रॉब्लम है थायराइड लेडीज़ में, ख़ास तौर पे जेंट्स में बहुत कम है, और मोटापे के शिकार जो महिलाएं हैं, आदमी हैं, उनमें एक प्रॉब्लम आई हुई है हर्निया। इन सब का एक ही सॉल्यूशन है कि फ्रूट डाइट पे रहें। फ्रूट फ्रूट डाइट डाइट पे है वो 99% आपकी इन चीज़ों को रिमूव करेगी, इन बीमारियों को रिमूव करने की। डायबिटीज वालों को क्या करें? डायबिटीज वाले हैं वो थोड़ा सा ध्यान करके खाएं कि जैसे ज़्यादा मीठे फल हैं वो एकदम से ना खाएं। नहीं, क्योंकि फलों में फ्रुक्टोस होता है, वो शुगर वैसी नहीं है, ज़्यादा भी खा सकते हैं, कोई नहीं दिक्कत वो, नहीं, लेकिन हाँ, धीरे धीरे स्टार्ट करें। धीरे धीरे स्टार्ट करें डायबिटीज वाले, क्योंकि डायबिटीज का चक्कर दूसरा होता है कि एकदम से जब डाइट प्लान हाँ, चेंज करते हैं अचानक से दवाई भी तो बंद ना वो करें। शुगर अप लो कम या ज़्यादा होने के चांस रहते हैं, और एकदम से दवाई भी बंद ना करें, उसका तरीका यही है। मैंने जब फ्रूट डाइट शुरू की तो उसका तरीका मेरे को जो बताया था वो यही बताया था कि आप एक दिन जैसे 4 रोटी खाते हैं तो 3 पे, फिर 2 पे, फिर 1 पे, फिर बंद करें, फिर सब्जी खाते रहें, फिर 2 दिन के बाद वो सब्जी भी बंद करके फिर फ्रूट डाइट पे आए। लेकिन मेरा जो था वो मन में ये था कि नहीं, एकदम ही करेंगे जो करेंगे, तो मैंने नेक्स्ट डे से ही शुरू कर दिया था। अगर आप एकदम कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, जबकि एक चीज़ और बताता हूँ मैं, शुगर पेशेंट हैं उनको तो धीरे धीरे करना ज़रूरी है, क्योंकि उनकी बॉडी इस टाइप की हो जाती है कि अगर एकदम से नहीं करेंगे तो शुगर अप डाउन होने का चांस ज़्यादा रहता है। स्वस्थ आदमी है, स्वस्थ मतलब जो डायबिटिक नहीं है, तो वो अगर फ्रूट डाइट लेना चाहें तो वो एकदम से करना चाहिए, क्योंकि अगर आप 2 रोटी फिर 1 रोटी फिर आधी रोटी ऐसे करेंगे तो वो रोटियों वाला वहम है वो निकलेगा नहीं, तो एकदम से बंद करके अपने टारगेट पे लगें। तो अनाज का वहम ज्यादा है, खासकर गेहूं की रोटी का ना? गेहूं की रोटी का ज़्यादा है, गेहूं तो वैसे भी नहीं खाना चाहिए। आपको एक सिंपल लॉजिक बता देता हूँ कि जो चीज़ दांतों के और हाथों के चिपकेगी वो अपने पेट की आंतों के भी चिपकेगी, तो उन चीज़ों को न खाएं, गेहूं, मैदा, ये अपने दांतों के भी चिपकती है, अपने पैकेट वाली हाथों के भी चीज़ें भी नहीं चिपकती खानी है। चाहिए? पैकेट वाली चीज़ें तो 101% नहीं खानी चाहिए। आप किसी भी पैकेट वाली चीज़ पे देखेंगे तो वो सारी चीज़ें पामोलिन ऑयल से बनती हैं, जिसकी कीमत 15 से 20 रुपए लीटर है, और वो सिर्फ और सिर्फ एक पॉइजन है और कुछ भी नहीं है। ओके, पामोलिन ऑयल है, नमक का नमक रिप्लेसमेंट? नमक है वो सेंधा नमक खाएं, सफ़ेद नमक है वो अपने आयुर्वेद में कहीं भी नहीं है। ओके, सफ़ेद नमक है वो एक जहर है, ब्लड प्रेशर की जो प्रॉब्लम है वो सफ़ेद नमक की वजह से और चीनी की वजह से है। चीनी की जगह आप अगर खा सकते हैं तो गुड़ खाएं। गुड़ में अगर कुछ लोग ये बोलते हैं कि गुड़ की महक आती है, गुड़ नहीं खा सकते, या गुड़ गर्म होता है, गर्म चीनी भी होती है, अगर आपको चीनी ही खानी है, गुड़ नहीं खा सकते, तो उसका जो ऑप्शन है वो हमारे पास है धागा मिश्री, सिरटा मिश्री जिसको बोलते हैं, आप वो ले आइए, 2 पैसे महंगी पड़ेगी लेकिन डॉक्टर की दवाइयों से सस्ती पड़ेगी। वो तो अगर हम डॉक्टर के पास पर्ची कटवाने जाते हैं तो शायद 400-500 रुपये तो डॉक्टर पर्ची के ले लेता है, और 2-3 हज़ार की दवाइयाँ बांध देगा, इतना तो खर्चा उसका
उसमें इसका शुगर, इसका मिश्री का नहीं है। और इसका जो कच्ची घानी सरसों ऑयल है इसका कैसे? कच्ची घानी सरसों ऑयल की बात करें तो कोई भी जो तेल है वो सिर्फ एक बार गर्म होना चाहिए, वो भी जब हम सब्जी या कुछ बनाते हैं तब। और उसका खाने का तरीका ये है कि उसके बनाने के आधे घंटे के अंदर अंदर खानी चाहिए रोटी, सब्जी जो भी बना दी हमने, सब्जी रोटी आधे घंटे के अंदर बनने के खाने। वैसे ज्यादातर लोगों को जो वहम है तड़का लगाने का, ना तड़का लगाने का बिल्कुल जरूरत नहीं है। तड़का है वो अपने आयुर्वेद में और अपने जो पुरानी जो किताबें हैं उनमें तड़के का कहीं कोई चलन नहीं है। ये जो छौंक लगाने के जो सिंपल, इसमें क्या है कि आप सब्जियां बनाएं तो बॉयल होते वक्त उसमें तेल डाल दें, दो चम्मच उबालें उसको और उबलते टाइम उसमें तेल डालें। उबालने का जो तरीका है 99% घरों में एल्यूमिनियम के बर्तन है, सबसे उत्तम माना गया है मिट्टी, उसके बाद माना गया है सोना, उसके बाद चांदी। सोना चांदी है ये अपनी आम आदमी की पहुंच से दूर है, सबसे उत्तम जो माना गया है वो है मिट्टी, उसके बाद आम आदमी के जो पहुंच में है वो है फिर अपना ये पीतल या लोहा, तो ये बर्तन भी ठीक है। लेकिन मिट्टी एक ऐसा बर्तन है मिट्टी का जिसके अंदर जितने जीवाणु हैं उतने के उतने जो उसमें मिनरल हैं, जो जितने भी मिनरल हैं वो उतने पूरे के पूरे मिलेंगे आप। और तो कच्ची घानी तेल है वो अपने आप में एक अमृत है। जो कच्ची घानी तेल का मतलब है कोल्ड प्रेस से निकला हुआ, ठंडा निकलेगा वो तेल, लकड़ी के बेलन से कोल्ड प्रेस करके निकालते हैं। लकड़ी के बेलन से जैसे हम दबा के तेल निकाले किसी चीज को, वो गर्म ना हो वो चीज है, क्योंकि गर्म तो वो कढ़ाई में होना चाहिए, बर्तन में होना चाहिए। बिल्कुल। तो और एक जो तेल है उसको पैरों की पगथड़ी में और नाभि पर भी हर रोज लगाना चाहिए। उससे उसका भी फायदा होता है। शरीर की 72,000 नाड़ियां जो हैं, 72,000 नाड़ियों का मतलब है जितनी भी शरीर में नसें हैं अपनी, वो सारी कनेक्ट होना नाभि के अंदर है। तो अगर आप नाभि के साथ छेड़छाड़ करते हैं तो शरीर के किसी ना किसी पार्ट के साथ छेड़छाड़ हो रही है। नाभि का कनेक्शन क्यों है, उसकी एक वजह है, जब बच्चा माँ के गर्भ में होता है और माँ जो खाना खाती है वो उस नाभि के जो ओरनाल बोलते हैं अपना, उसके थ्रू बच्चे का पेट भरता है। बिल्कुल। तो जितनी भी और उसी के थ्रू पेट भरता है तो वहाँ पे सारी नाड़ियाँ इकट्ठी होती हैं और उन नाड़ियों को जिस खुराक की जरूरत होती है वो उस बच्चे के शरीर में मिलती है। तो तेल लगाएंगे तो उसका फायदा, तेल लगाएंगे तो जिस भी नाड़ी को उस तेल की जरूरत होती है, मान लीजिए खुश्की है, एलर्जी है, जिस भी नाड़ी को जरूरत है, ना भी अपने आप उस चीज को, उस तेल को वहां तक पहुंचाएगी। ठीक है। और जो तो तलवों में उसका है, पिंडलियों में है, खासतौर से गर्मियों में कुछ लोगों को शिकायत रहती है कि जलन रहती है तलवों में, गर्मी महसूस होती है, उसका जो सॉल्यूशन है वो यही है, रात को सोते समय टाइम जरूर लगाएं। उसका सीधा सीधा असर दिमाग और आंखों पे जरूर पड़ता है। ओके। तो आपका कंक्लूजन क्या है डाइट के मामले? डाइट के मामले में है कि जितना हम नेचर के साथ रहेंगे, प्रकृति से जुड़े, सबसे मेन चीज है प्रकृति। हम कितना भी अपने आप को आर्टिफिशियल बना लें, ब्रांड कोई काम नहीं आना, कूलर एसी कोई काम नहीं आने, जितने हम प्रकृति के करीब रहेंगे। आप एक चीज नोटिस कीजिए, कुछ लोग शहरों में बोल रहते हैं और ये गांव के लोगों को ये समझते हैं कि ये अनपढ़ गंवार हैं। आप शहर के लोगों की लाइफस्टाइल और गांव के लोगों की लाइफस्टाइल में अगर अंतर देखेंगे तो शहर के लोग 60 साल से ऊपर नहीं जिएगा, वहाँ पे गांव का लोग 100 साल से ऊपर जिएगा। क्या फर्क है? क्योंकि वो प्रकृति के करीब है। शहर तो के खाना शहर है, में एसी में, चाहे गाँव हो चाहे शहर हो, एसी में जो रहने लग गया उसको 16 डिग्री टेम्परेचर की आदत है, बाहर का 47-48 डिग्री टेम्परेचर वो सहन नहीं कर सकता। अपने लेबर क्लास जो लोग होते हैं वो 47-48 डिग्री टेम्परेचर में धूप में उनके बच्चे खेलते रहते हैं और माता पिता अपने वो काम, जो काम करते हैं, कुंडी डालते हैं उसकी। तो आपका कंक्लूजन ये है कि लाइव फूड खाया जाए, जिंदा खाना, जो जिंदा फल सब्जियां हैं, फल सब्जी खाएं बिना गर्म किए, बिना हीटर गैस पे चढ़ाए, कच्ची चीजें खाएं। कच्ची चीजें, जब से इंसान ने चीजों को पकाने की कोशिश की है, नई नई चीजें आई हैं, उसके बाद से रिजल्ट गिरता गया है, उम्र घटती गई है। पहले 7-7 फुट के होते थे, महाराणा प्रताप 7 फुट से भी ऊंचे थे, तो वो टाइम, वो उम्र भी घटती गई और हाइट भी घटती गई। अब बच्चे हैं वो विकलांग तक पैदा होने लग गए। और रही बात प्रकृति से जुड़ने की, तो हर चीज प्रकृति, आप ये चीज तो ध्यान रखें कि कोई भी जीव प्रकृति से दूर होगा तो उसका नुकसान उसको भुगतना पड़ेगा। बिल्कुल। प्रकृति के साथ रहेंगे तो, अब कोरोना पीरियड में लोग मरे हैं
और बाद में फिर बरगद और पीपल के नीचे अपनी चारपाई डालते नजर आए ऑक्सीजन के लिए, उसकी वजह क्या थी? जी बिल्कुल, डॉक्टरों के पास इलाज नहीं और बरगद पीपल के पास इलाज है, क्यों गांव में भागे लोग शहरों को छोड़ छोड़ के? एसी की लाइफस्टाइल जीने वाले शहरों में आके, शहरों में रहने वाले जो गांव वालों को मूर्ख बताते थे और अपना शहर में बनी बनाई कोठियां छोड़ के अपने रिश्तेदारों के पास आके रुके 10-10 दिन, क्यों? अगर प्रकृति गलत है तो फिर वहां रहते ना। बिल्कुल, तो अगर हम कंक्लूजन की बात करें तो ये है कि